फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंस डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपको घर बैठे प्रिपरेशन करनी है तो हमारे पास आपके लिए तीन पैकेजेस अवेलेबल है, बेसिक, प्रो और एडवांस। यहाँ पर 300 से ज्यादा वीडियोस तीनों कोर्सेज में आपके पास में अवेलेबल है। साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, लाइव क्लास, सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास में पेन ड्राइव ऐड करने का भी ऑप्शन है। साथ में अगर आपका कोई डाउट है तो आप 7023336 75 के ऊपर कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा यूट्यूब वीडियो शेड्यूल है जो कि मंडे से फॉलो होगा। उम्मीद है कि आप सभी इस टाइमिंग के ऊपर अवेलेबल होंगे और जितना बेनिफिट आपको इन वीडियो से मिलेगा फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा होगा आपके सभी पेपर के लिए। जैसा कि सुबह 7 बजे मैं आपके लिए लेके आऊँगा डेली वोकैब वीडियो, 8 बजे मुस्कान मैम लेके आएगी आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल, उसके बाद में अरुणा मैम आपके लिए लेके आएगी 9 बजे करंट अफेयर शो, देन वापस से जीके डेली क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, उसके बाद इंग्लिश क्लासेस शैलेंद्र सर लेके आएंगे, देन क्वांट क्लासेस 2 बजे विकास सर और 4 बजे रीजनिंग की क्लास होगी मोहित सर के द्वारा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड क्या है। स्ट्रक्चर अपना आज का पहला वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, नाउन है जिसका मतलब है इंपॉर्टेंस और रेपुटेशन गेन बाय एबिलिटी और अचीवमेंट, कद या फिर महानता। तो कोई भी काम जब आप ऐसा करते हो जिससे आपका कद बहुत बढ़ जाता है, आपके अचीवमेंट्स बहुत सारे ऐड हो जाते हैं, तो उसको अपने स्ट्रक्चर कहते हैं। सिनोनिम क्या है? स्टेटस, प्रेस्टीज, डिस्टिंक्शन, इमिनेंस, प्रोमिनेंस या फिर इंपॉर्टेंस। और एंटोनिम्स क्या है? लोलीनेस या फिर वर्थलेसनेस। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। एज अ 5-टाइम ग्रैमी विनर अरे था हैज अ ह्यूज स्टैचर इन द म्यूजिक कम्युनिटी, यानी कि उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, महानता बहुत ज़्यादा है म्यूजिक कम्युनिटी के अंदर, किसकी? एरेथा की, क्योंकि वो 5 बार ग्रैमी अवार्ड विनर है। ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से है। ठीक है, अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। स्टैचू बनता है जो स्टैचर गेन कर लेते हैं। तो देखिए ये कौन है? राहुल द्रविड़, इंडिया के लेजेंडरी बैट्समैन। तो इन्होंने इतना स्टैचर गेन किया है अपने अचीवमेंट से कि इनका स्टैचू बनाया गया है कहाँ पे? बैंगलोर के अंदर। ठीक है, ये देखिए इनका वॉल्स है, द वॉल्स के नाम से फेमस थे, तो 10,000 वॉल्स, जब इन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए थे तब 10,000 वॉल्स से इनका स्टैचू बनाया गया। तो स्टैचू किनका बनता है? जो स्टैचर गेन करते हैं। तो देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं, इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि स्टैचू बनता है जो स्टैचर गेन कर लेते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट गेन कर लेते हैं। ओके, अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड की बात की जाए तो प्रेस्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी कॉमन, और ये वर्ड तो इंपॉर्टेंट है ही बहुत। नेक्स्ट देखते हैं, अपलॉब नाउन है जिसका मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस और अश्योरेंस, स्पेशली वैन इन ए डिमांडिंग सिचुएशन। तो किसी का मनोबल बढ़ाना, किसी को संयम बनाना, किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस को ध्यान रखना, उसको अपन अपलॉब कहते हैं। सिनोनिम क्या है? पॉइज, सेल्फ अश्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कामनेस या फिर कंफर्ट। एंटोनिम्स क्या है? फियर या फिर गॉशनेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज एंड दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, बिकॉज द नेगोशिएटर हैंडल द होस्टेज सिचुएशन विद अपलॉब, द किडनैपर रिलीज्ड एवरीवन विदाउट हार्म, यानी कि जो नेगोशिएटर था उसने हैंडल करी जो होस्टेज वाली सिचुएशन थी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, इसीलिए किडनैपर ने सभी को रिलीज कर दिया। ओके, विदाउट हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। ओरिजिन कहाँ से? प्लॉब वर्ड है जिसका मतलब अकॉर्डिंग टू ए प्लम्ब लाइन। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। अप्लॉज मिलता है तो अप्लॉब बढ़ता है। तो देखिए अगर अप्लॉज मिलता है तो, अगर आप देखिए किसी ने अप्लॉज मिला है, अगर किसी को तारीफ मिली है, किसी के लिए तालियां बजाई गई है, तो ऑब्वियसली क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्फिडेंस को अप्लॉब बोल रहा हूँ कि अगर अप्लॉज मिलता है तो अप्लॉब बढ़ता है। जैसे कि ये बैंड है, इन्होंने परफॉर्मेंस किया, लोगों ने देखी, तालियां बजाई इनके परफॉर्मेंस पे, तो इनको क्या मिलेगा? अप्लॉज से अप्लॉब मिलेगा, यानी कि इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपने भी कभी कोई ऐसा कुछ किया है जिससे आपको तालियां बजाई है, अप्लॉज मिला है, तो आपका अप्लॉब भी बड़ा होगा उस काम को लेकर। ओके, देखते हैं थर्ड वर्ड, शेफर्ड। शेफर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब है गाइड और डायरेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राह दिखाना। तो किसी को किसी चीज़ की राह दिखाने को अपन कहते हैं शेफर्ड। जैसे कि एक शिप को शेफर्ड राह दिखाता है, तो उसी तरीके से अपन इस पर्सन को क्या बोलते हैं? शेफर्ड कहते हैं। शेफर्ड यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि किसी को राह दिखाए, तो वो शिप को राह दिखाता है, तो वो कौन होता है? शेफर्ड होता है। तो ये शिप के शेफर्ड हैं, यानी कि ये शिप के राह दिखाने वाले पर्सन हैं जो कि पिक्चर में दिख रहे हैं ये वाले। ओके, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं शिप को, शेफर्ड वर्ड से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे? गाइड, कंडक्ट, अशर, स्थिर या फिर लीड। तो ये अशर भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम्पल, द ब्रेव कैप्टन शेफर्ड द टीम टू द विन, यानी कि जो ब्रेव कैप्टन था उसने राह दिखाई टीम को जीतने, विन की। वर्ब फॉर्म्स क्या है? शेफर्ड, शेफर्ड एंड शेफर्डेड, शेफर्डेड एंड शेफर्डेड। ओके,
तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं शिप से रिलेट करके कि ये शिप के शेफर्ड हैं, यानी कि उसको राह दिखाने वाले हैं। होलसम एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कंड्यूसिव टू मॉरल वेल बींग, अच्छी तरह से। तो कोई भी देखिए, होलसम एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो एक्चुअली जो लोग इसको गलत तरीके से इसको लेते हैं इस वर्ड को। ओके, होलसम का मतलब कोई पूरा नहीं होता, कोई भी चीज़ जो पूरी होती है। होलसम का मतलब है कोई काम जो आपने बहुत अच्छी तरीके से किया हो, बेनिफिशियल हो, राइटियस हो, स्ट्रेंथ उससे मिले, अच्छा हो, उसको अपन होलसम कहते हैं। एंटोनिम्स क्या है? इनडिसेंट, कंटामिनेटेड या फिर अनहोलसम। और इसका एग्जांपल, इट इज़ असेंशियल दैट पेशेंट्स इन आर हॉस्पिटल शुड रिसीव होलसम एटमॉस्फेयर, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर मिले, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। होलसमली यानी कि अच्छी तरह से, एडवर्ब बन गया है। ट्रिक अपन देखते हैं एक बार कैसे याद कर सकते हैं। दिन का होल काम करने से ही कंपनी होलसम तरीके से आगे बढ़ती है। तो देखिए, अगर आपको जो काम दिया गया है, अगर आप वो काम होल काम यानी जो पूरा काम अगर आप पूरे दिन का आप पूरा करेंगे अपना, तभी कंपनी क्या होगी? होलसम तरीके से आगे बढ़ेगी, यानी कि अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि दिन का होल काम करने से ही कंपनी होलसम तरीके से आगे बढ़ती है। होलसम तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से। ओके, ठीक है। इस तरीके से अपन होल वर्ड को होलसम से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि दिन का होल काम करने से ही कंपनी होलसम तरीके से आगे बढ़ती है, यानी कि बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से, राइटेस्ट तरीके से या फिर अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यर्न। यर्न एक वर्ब है जिसका मतलब है हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग। तो किसी भी चीज़ के डिज़ायर होना, किसी भी चीज़ को पा लेने की इच्छा होना, उसको अपन यर्न कहते हैं। ओके, इसके सिनोनिम देखते हैं, क्रेव, डिज़ायर, वॉन्ट, वॉन्ट बैडली, विश, हैव फील अ लॉन्गिंग या फिर कोवर्ट। और इसके एंटोनिम्स हैं हेट, डिस्पाइज या फिर डिसलाइक। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ओके, दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और यर्न तो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, बिकॉज माई हस्बैंड हैज़ बिन स्टेशन ओवरसीज फॉर ए ईयर, आई यर्न फॉर हिम टू कम होम। यानी कि जो मेरे हस्बैंड है वो एक साल से ओवरसीज हैं, इसीलिए मेरे डिज़ायर है कि वो वापस आ जाए घर पे। वर्ब फॉर्म्स क्या है? यर्न, यर्न्ड एंड यर्न। ओरिजिन कहाँ से? ओल्ड इंग्लिश वर्ड से है, ठीक है, जो कि एक जर्मन में भी यूज होता है। देखते हैं इसके ट्रिक। जैसे अर्न करते जाओगे वैसे ही यर्न भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे आप अर्न करते जाओगे वैसे ही आपकी यर्न भी बढ़ती जाएगी। ओके, यानी कि जैसे कि आप अर्न करोगे वैसे आपके डिज़ायर है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप 30,000 अर्न कर रहे हो तो आपके डिज़ायर वैसे होंगे, अगर आप 1,00,000 अर्न कर रहे हो तो आपके डिज़ायर वैसे होंगे, और फ्यूचर में जब आप 10,00,000 अर्न करोगे तो आपके डिज़ायर वैसे होंगे। तो जैसे आप अर्न करते जाओगे वैसे आपकी यर्न भी बढ़ती जाएगी, यानी कि आपके जो डिज़ायर हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से अर्न को और यर्न को रिलेट करके अपन याद कर सकते हैं। देखिए इसी के अंदर इसकी स्पेलिंग भी आ रही है, ठीक है, यर्न और अर्न, तो इस तरीके से रिलेट करके अपन इसे याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एलोक्वेंट। एलोक्वेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जो बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, जिसकी आवाज़ बहुत क्लियर हो, इफेक्टिव हो, इजीली समझ में आ जाए, उसको अपन कहते हैं एलोक्वेंट। सिनोनिम क्या है? आर्टिकुलेट, फिकंड, एक्सप्रेसिव या फिर फ्लुएंट। और एंटोनिम्स क्या है? डल या फिर इनआर्टिकुलेट। अब देखिए यहाँ पे दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में फ्रिक्वेंटली आते हैं ये दोनों वर्ड्स। सो देखते हैं एग्जाम्पल, ऑल्दो जेम्स वॉज ए ब्रिलियंट राइटर, ही वॉज नॉट एन एलोक्वेंट स्पीकर एंड ऑलवेज नर्वस इन द फ्रंट ऑफ ए क्राउड। ओके, तो जेम्स क्या था? बहुत ही ब्रिलियंट राइटर है लेकिन वो एलोक्वेंट स्पीकर नहीं है और हमेशा नर्वस हो जाता है, किसमें? क्राउड के सामने। और रिलेटेड वर्ड क्या है? एलोक्वेंटली यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से, सुवक्ता। ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से। एलोक्वेंट का मतलब है स्पीकिंग आउट फ्रॉम द वर्ब एलोक्यू। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। हमारे कौन के टीचर एलोक्वेंट है? तो देखिए इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो कौन के टीचर हैं, जैसे कि अगर आपके भी कोई कौन के टीचर है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो कैसे हैं वो? बहुत ही एलोक्वेंट है। तो इस तरीके से आप लेट करके याद कर सकते हैं कि कौन के टीचर कैसे एलोक्वेंट है। तो देखिए दोनों ही वर्ड यहाँ पे एक जैसे हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है कि हमारे कौन के टीचर एलोक्वेंट है। तो यहाँ पे क्वांट और एलोक्वेंट दोनों ही सिमिलर से वर्ड हैं जिनको रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और एलोक्वेंट का मतलब क्या है? जो कि बोलने में बहुत अच्छा हो, क्लियर हो, इफेक्टिव हो। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस एक नाउन है जिसका मतलब है डिसलाइक, हॉस्टिलिटी और अनजस्ट बिहेवियर ड्राइविंग फ्रॉम प्रीकंसीव्ड एंड अनफाउंडेड ओपिनियन। तो कभी भी एक तरफा राय रखना, पक्षपात करना, पूर्व धारणा बनाना, बायस हो जाना किसी भी चीज़ को लेकर, उसको प्रेजुडिस कहते हैं अपन। ओके, इसका एक बहुत अच्छा जो सिनोनिम है वो है पार्टिसनशिप। पार्टीशन को अपन पहले भी कवर अप कर चुके हैं कि जो पार्टी के लोग कैसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग पार्टीशन होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही पक्षपात वाले होते हैं, बायस होते हैं। पार्शियलिटी भी हो सकता है, एजॉर्डाइज आई भी हो सकती है, जॉन्डिसाइज आइज प्रेफरेंस हो सकती है, वन साइडेडनेस हो सकती है। ओके, यहाँ पर जॉन्डिस्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
एंटीथेसिस क्या है? फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी या फिर जस्टिस. एग्जाम्पल, इवन आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सम लैंडलॉर्ड्स एंड लैंडलेडीज आर स्टिल रेशियली प्रिजुडाइज्ड इन सम विलेजेस. यानी कि कुछ अभी भी 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में कुछ लैंडलॉर्ड और लैंडलेडीज कैसे हैं, बहुत ही पक्षपात करते हैं विलेज के अंदर लोगों से. वह फॉर्म्स कैसे हैं? प्रिजुडिस्ड एंड प्रिजुडिस्ड. और लेटर वर्ड क्या है? प्रिजुडिस, यानी कि मेक बायस्ड. और ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से है. ठीक है, तो देखते हैं इसके ट्रिक. जुडिशियरी को प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए. तो जुडिशियरी और प्रिजुडिस, देखिए यहाँ पे भी जुडिस है और जुडिशियरी के अंदर भी जुडिस है, तो इस तरीके से लेट करके आप याद कर सकते हैं कि जुडिशियरी को प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए. यानी कि जो जज होते हैं, जुडिशियरी होती है, उसको कभी भी किसी भी एक तरफ नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होकर फैसले सुनाने चाहिए. इस तरीके से आप इसे ईजिली याद कर सकते हैं रिलेट करके कि जो जुडिशियरी है वो प्रिजुडिस है. ओके, यानी कि प्रिजुडिस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. अगर हो गई तो सबसे बड़े नुकसान किसको है? कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान है. तो जुडिशरी और जुडिस, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं. दोनों ही बहुत सिमिलर हैं और कॉमन से वर्ड हैं और एक कॉमन से चीज़ है जो कि आप इसको लेट करके याद कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्नब. स्नब एक वर्ब है जिसका मतलब है रिमोस्ट्रेट और विथ और रिबुक समवन. तो किसी को झिझकना, किसी को पसंद नहीं करना, ठीक, उसको अपन कहते हैं स्नब. सिनोनिम क्या है? रिपल्स, स्कॉर्न, स्कोल्ड, एडमोनिश. और एंटोनिम्स क्या हैं? प्रेज, लॉड, फ्लैटर या फिर रेस्पेक्ट. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए दो तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए. एडमोनिश इंपॉर्टेंट है, रिपल्स इंपॉर्टेंट है, फ्लैटर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो स्नब का मतलब है किसी को इग्नोर करना, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, किसी को हेट करना. एग्जाम्पल, व्हेन द न्यूली वेड टर्न्ड हर नोज अप टू हर मदर इन लॉ डिनर ऑफर द स्नब ऑफेंडेड एवरीवन इन द फैमिली. यानी कि जो न्यूली वेड जो लेडी थी उसने मदर इन लॉ के सामने डिनर ऑफर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो उसने क्या कर दिया? स्नब कर दिया फैमिली को अंदर सभी को. वह फॉर्म्स क्या है? स्नब, स्नब्ड एंड स्नब्ड. और रिलेटेड वर्ड क्या है? स्नब, यानी कि द इग्नोरिंग और ब्रशिंग ऑफ ऑफ समवन. अब देखते हैं इसके ट्रिक. सब टेररिज्म को स्नब करते हैं. तो देखिए कितना इजीली आप इसे याद कर सकते हैं. इस वर्ड को सब एक हिंदी वर्ड है, ठीक है, सब यानी कि एवरीवन. तो सब टेररिज्म को कैसे करते हैं? स्नब करते हैं. तो सब और स्नब देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं. इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सब टेररिज्म को क्या करते हैं? हेट करते हैं. ओके, इग्नोर करते हैं. इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सब को स्नब से. ओके, दोनों ही देखिए कॉमन से वर्ड हैं. नेक्स्ट वर्ड है आज का रिपोस्ट. रिपोस्ट एक नाउन है जिसका मतलब है ए क्विक क्लेवर रिप्लाई टू एन इंसल्ट और क्रिटिसिज्म. यानी कि अगर कोई भी बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही क्विकली किसी चीज़ को रिप्लाई कर रहा है जो कि इंसल्ट भी हो सकती है या फिर किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी हो सकती है, उसको अपन रिपोस्ट कहते हैं. सिनोनिम क्या है? रिटोर्ट, रिजॉइंडर, सली या फिर रिप्लाई. और एंटोनिम से क्वेश्चन या फिर रिक्वेस्ट. यहाँ पे ये दोनों ही वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Example, because Amy was brought up to always be respectful, she restrained the urge to make a sarcastic riposte to the young man questions about her zodiac sign. यानी कि जो Amy थी वो कैसे बड़ी की गई है? बहुत ही respectful तरीके से बड़ी करी गई है. इसीलिए जब उससे zodiac sign पूछा गया तो उसने बहुत ही एक quick reply दिया उस man को जिसने उससे पूछा था. Origin कहाँ से? Italian words है, ठीक है, जिसका मतलब होता है रेस्पॉन्स देना, किसी को कोई चीज़ बताना, क्विकली रिप्लाई करना. ट्रिक देखते हैं. कुमार विश्वास जी ने बच्चन साहब की पोस्ट पे रिपोस्ट किया. तो देखिए रिसेंटली अभी एक इंसिडेंस हुआ है जो कि श्री हरिवंश राय जी की बच्चन की एक कविता थी जिनको कुमार विश्वास जी ने कहा है, तो उसको लेके बच्चन साहब ने क्या किया? एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के ऊपर कुमार विश्वास जी ने क्या किया? रिपोस्ट किया. यानी कि एक बहुत ही क्लेवर सा आंसर किया. उनको जो पैसे मिले थे उस वीडियो से 32 रुपये, वो उन्होंने वापस भेज दिए. तो ऐसे किसी पोस्ट को जो कि बहुत ही क्लेवर हो, ठीक है, उस चीज़ को अपन कहते हैं रिपोस्ट. तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि कुमार विश्वास जी ने बच्चन साहब की पोस्ट पे रिपोस्ट किया, यानी कि बहुत ही एक क्लेवर आंसर दिया. और आज का जो लास्ट वर्ड है वो है टर्स. टर्स ये बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में कई बार आ चुका है सभी पेपर के अंदर. और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा रिमार्क जो बहुत ही शॉर्ट हो, उसको अपन कहते हैं टर्स. सिनोनिम क्या है? लाकोनिक, प्रिसाइज, सक्सिंट या फिर क्लियर आउट. और एंटोनिम्स क्या है? लेंथी, लॉन्ग विंडेड या फिर वर्बोस या फिर वर्डी. अब यहाँ पे आपके पेपर के लिए दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट एंड दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल, बिकॉज दे हैड लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन द सस्पेक्ट द पुलिस इशूड ओनली अ टर्स स्टेटमेंट टू द मीडिया. यानी कि पुलिस के पास बहुत ही लिटिल जो इन्फॉर्मेशन थी सस्पेक्ट को लेकर, इसीलिए पुलिस ने मीडिया से बहुत ही छोटे स्टेटमेंट दिया उस चीज़ को लेकर. रिलेटेड वर्ड क्या है? टर्सली, यानी कि संक्षिप्त रूप से. अब देखिए इसे ट्रिक देखिए बहुत आसान है. कई लोग गाड़ी टर्न करते वक्त टर्स दे जाते हैं. तो देखिए ऐसा कई बार आपके साथ में हुआ होगा, कभी भी आप दो बाइक है जो टर्न के ऊपर
एक दूसरे जब तब मोड़ते हैं तो क्या होता है, टर्न के ऊपर अक्सर लोग क्या कर जाते हैं, टर्न्स देके चले जाते हैं, यानी कि कोई एक शॉर्ट कमेंट देके चले जाते हैं। ओके, अक्सर ऐसा होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन टर्न को टर्न्स से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कई लोग गाड़ी टर्न करते वक्त टर्न्स दे जाते हैं। तो टर्न्स का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा शॉर्ट स्टेटमेंट जो कि, या फिर कोई रिमार्क जो कि किसी को बोला जाए, तो उसको अपन कहते हैं टर्न्स। ओके, जैसे कि देखिए इस पिक्चर के अंदर दो बाइक वाले टर्न कर रहे हैं रोड के ऊपर और एक दूसरे को कुछ कहते हुए जा रहे हैं, तो उस कहने को क्या अपन क्या कहते हैं, टर्न्स उसको कहते हैं अपन। ओके, तो ये आज के अपने 10 वो क्या हफ्ते, वापस अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि कैसे अपन ने इनको क्लियर किया है। आज का जो अपना पहला वर्ड था, वो आज का अपना पहला वर्ड था स्टैचर। स्टैचर अपन ने कैसे याद किया था कि स्टैचू बनता है जो स्टैचर गेन कर लेते हैं, यानी कि जो बहुत ही अचीवमेंट गेन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस गेन कर लेते हैं। सेकंड अपलॉब, अपलॉज मिलता है तो अपलॉब बढ़ता है, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थर्ड, ये शिप के शेफर्ड है, यानी कि जो शिप के राह दिखाने वाले पर्सन है। होलसम, दिन का होल काम करने से ही कंपनी होलसम तरीके से आगे बढ़ती है, होलसम यानी कि अच्छे तरीके से, एक राइट तरीके से। यर्न, जैसे अर्न करते जाओगे वैसे ही यर्न भी बढ़ती जाएगी, यानी कि जैसे आप अर्न करोगे वैसे ही आपकी डिजायर भी बढ़ती जाएगी। हमारे क्वांट के टीचर इलाक्वेंट है, यानी कि बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। नेक्स्ट, जुडिशियरी को प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए, यानी कि पक्षपात नहीं करना चाहिए। सब टेररिज्म को स्टॉप करते हैं, यानी कि सब उसको हेट करते हैं। कुमार विश्वास जी के, बच्चन साहब के पोस्ट पे रिपोस्ट किया, यानी कि एक क्विक रिप्लाई दिया। और टर्स, कई लोग गाड़ी टर्न करते वक्त टर्स दे जाते हैं, यानी कि एक शॉर्ट कमेंट दे जाते हैं। ये आज के अपने 10 वो कैप थे। और क्वेश्चन ऑफ द डे की बात की जाए तो कल मैंने आपसे एक मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछा था, शिशम का। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो ए इसका सही आंसर है। ओके, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही किया है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो है वो भी आपसे आज भी सिनेमा में ही पूछा गया है, जो कि है यान। ओके, आपके सामने चार ऑप्शंस है, इसमें से कमेंट करके आपको बताना है सही आंसर क्या है। और ट्रिक बना दो जाने में, कल जो एक वर्ड दिया था मैंने वो ओरिएंट वर्ड दिया था, जिसका मतलब होता है जो ईस्टर्न पार्ट होता है। ओके, या फिर कोई भी चीज़ की जो क्वालिटी है जो कि अच्छी है उसको भी अपन ओरिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रिक आई है, अमित जी ने और रवि जी ने बताई है। अमित जी ने कहा है कि हमें हमारा टेंट ओरिएंट की तरफ बनाना चाहिए, तो इन्होंने टेंट से ओरिएंट को रिलेट किया है, ठीक है, कि टेंट हमें कहाँ बनाना चाहिए, ईस्टर्न साइड पर बनाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि ओरिएंट कंपनी की एलईडी की लाइट बनाने के लिए ओरिएंट है, यानी कि बहुत ही सही है। ओरिएंट कंपनी की जो एलईडी लाइट बनाती है वो ओरिएंट है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो सही है और वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। इस तरीके से इन्होंने दो ट्रिक बनाई है, उम्मीद है आप सभी को काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। और आज की जो आपको ट्रिक बनानी है वो है किंडल, KINDLE, किंडल वर्ड है, इसकी आपको ट्रिक बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आपको कमेंट करके ये बताना है। साथ में सेंटेंस फ्रेमिंग की बात की जाए तो यहाँ पर कृष्णन जी ने और वेद प्रकाश जी ने दो अच्छे सेंटेंसेस फ्रेम करे हैं 10 वोकैब यूज़ करके। ओके, तो उम्मीद है आज भी 10 वोकैब आप यूज़ करेंगे और हमें भेजेंगे, और जिससे आपके साथ में कई लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है इन सेंटेंस से। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ में फ्रेंड्स ये हमारी मूवी आ रही है, ये है इंडिया, इस मूवी को देखना बिल्कुल ना भूले। 4 अगस्त को ये मूवी रिलीज हो रही है और इसका ट्रेलर आउट हो चुका है यूट्यूब के ऊपर। अभी इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा जहां से आप इसका ट्रेलर देख सकते हैं। 2017 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है जो आपको 4 अगस्त को थिएटर में देखने को मिलेगी। उम्मीद है आप सभी इस मूवी को देखेंगे, सपोर्ट करेंगे ये है इंडिया मूवी को। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में GK24 और Vocab24 ऐप को डाउनलोड करना ना भूले अगर अभी तक आपने नहीं करी है तो। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।